ये कहानी छोटी सी है, लेकिन यदि आप इसे समझ गए तो जीवन भी बदल सकता है, लेकिन समझना तो आपके हाथों में है। एक बार की बात है, जब चार बूढ़ी अम्मा आपस में बहस कर रही थीं कि हम में से कौन बड़ा है। जब वे आपस में बहस करके थक गईं, तब उन्होंने तय किया कि जो पड़ोस में नई बहू आई है उसके पास चलकर फैसला करते हैं। वे चारों बहू के पास जाकर बोली, बहू हमारा फैसला कर दो कि हम में से कौन बड़ा है। बहू ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले आपको अपना परिचय देना होगा। उनमें से पहली बूढ़ी अम्मा बोलती है, मैं इस दुनिया के लोगों की भूख हूँ, मेरी वजह से लोगों को भूख लगती है, इसीलिए मैं ही बड़ी हूँ। इस बात का जवाब देते हुए बहू कहती है, भूख तो 56 प्रकार के व्यंजनों से भी मिट जाती है और एक सूखी रोटी से भी, इसीलिए अम्मा तुम जरूरत हो लेकिन बड़ी नहीं। इसी तरह दूसरी अम्मा कहती है, बहू मैं इस दुनिया की प्यास हूँ, मेरे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए मैं ही बड़ी हुई। तब बहू ने कहा, माफ कीजिए, लेकिन प्यास के कई विकल्प होते हैं। प्यास गंगा जल व शीतल जल से भी शांत हो जाती है और जरूरत पड़ने पर समुद्र का खारा पानी भी प्यास को बुझा सकता है, इसीलिए अम्मा तुम जीवन हो लेकिन सबसे बड़ी नहीं। फिर तीसरी अम्मा कहती है, बहू मैं नींद हूँ, मेरे बिना कोई चैन का जीवन नहीं जी सकता, इसीलिए मैं ही बड़ी हुई। लेकिन बहू ने जवाब दिया, नींद तो आरामदायक बिस्तर पर भी आ जाती है और जरूरत पड़ने पर लोग कंकड़ पत्थर पर भी सो जाते हैं। लेकिन इतने में ही चौथी अम्मा बोली, बहू मैं आस हूँ। जैसे ही बहू ने ये शब्द सुना, बहू अम्मा के पैरों को छूकर बोली, अम्मा तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक आशा के कारण मनुष्य 100 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन अगर आस टूट जाए फिर चाहे उसके घर में कितने ही धन दौलत क्यों ना हो, वो एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, तूफान को तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर चले जाना है, बस जरूरी है एक आस और विश्वास आपके लिए और आपके सपनों के लिए।